मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, तो आपको इतना अंदाजा अब लग गया होगा कि 2021 नीट का जो पेपर है वो किस स्टैंडर्ड का आने जाने वाला है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो अभी जेईई मेंस का पेपर हुआ वो बिल्कुल सिमिलर पेपर, वैसा ही स्टैंडर्ड रखा गया था जैसा 2020 जेईई मेंस का पेपर रखा गया था। मतलब आपको मैं एक बार जरूर बोलूंगा कि जब आप 2021 नीट देंगे तो एक बार आप 2020 का पेपर देखिएगा और उसको एनालाइज कीजिएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप 2018, 2017, 2016 का PYQ देखेंगे तो निश्चित तौर पे पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा ज्यादा था, बट 2020 में पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा नीचे किया गया और NCERT के प्रेफरेंस को बढ़ाया गया। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो 2020 का PYQ होगा वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक बार उसको एनालाइज कीजिएगा कि क्वेश्चन किस स्टैंडर्ड का आया है, कितना क्वेश्चन टफ स्टैंडर्ड का आया है, कितना क्वेश्चन मीडियम और कितना इजी क्वेश्चन आया है। इससे आपके प्रिपरेशन का लास्ट स्ट्रैटेजी जो होगा वो बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा और आप देख पाएंगे कि मुझे किस तरह के क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। तो क्योंकि अभी जो आपका जेईई मेंस का एग्जाम हुआ वो बिल्कुल सिमिलर पैटर्न रखा गया, जुलाई अगस्त का पैटर्न और फरवरी का पैटर्न आप उठा लो और मार्च वाला जो जेईई मेंस हुआ था ऑलमोस्ट सिमिलर स्टैंडर्ड रहा। अगर आप देखोगे इस बार का स्टैंडर्ड 2020 वाला जेईई मेंस से कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर स्टैंडर्ड रहा। मतलब मान के चलिए कि नीट एग्जामिनेशन का भी स्टैंडर्ड आपका 2020 से ही ऑलमोस्ट सिमिलर होगा। इसलिए आप रिसेंटली 2020 के क्वेश्चन को एक बार जरूर देखिएगा, NCERT को जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ एग्जाम्पलर के क्वेश्चन कीजिएगा। और जब टाइम मिले तो आपको जो चंद्रहास सर ऐप पे मैंने बेस्ट 2000 क्वेश्चन 2100 क्वेश्चन दिया हूं उसको एक बार जरूर करना यार, उसको मिस मत करना क्योंकि वो क्वेश्चन मैंने NCERT का निचोड़ पूरा दिया हुआ है। और अगर उस 2100 क्वेश्चन में आप 2000 क्वेश्चन भी कंप्लीट करते हो, बिलीव में आपका पूरा इंटायर सिलेबस उसमें कवर हो जाएगा क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है और वो उसी लेवल के क्वेश्चन है जो 2020 में नीट एग्जामिनेशन में आए हुए थे। तो उसको ध्यान में रख के ये पूरा फ्रेम डिजाइन किया गया, आप लोग एक बार उसको जरूर देखना। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मैं टेस्ट आपको प्रोवाइड किया हूं न्यू पैटर्न पे वो भी फ्री में चंद्रहासर ऐप पे, उसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करना अगर समय लगे तो। और अगर आपको लगता है कि मुझे और टाइम सेव करना है तो मैं आपके लिए टाइम सेविंग कोर्स अपने ऐप पे दे रहा हूं और वो है ट्रिक्स का खजाना, जिसमें मैं फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के भी ट्रिक्स दूंगा। तो 3 डेज का अलग अलग सेमिनार है, सिर्फ 100-100 रुपए का कोर्स है। आपको रैंक को बूस्ट करना अगर है तो उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो जहां से आपका रैंक इंप्रूव होगा। क्योंकि मुझे पता है आपको रिएक्शन याद करने में बहुत दिक्कत होती है, कैलकुलेशन में फिजिकल में बहुत प्रॉब्लम आती है, कैलकुलेशन के क्वेश्चन बड़े होते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, आपका समय खराब हो जाता है, ऑर्गेनिक में रिएजेंट ही भूल जाते हो। तो इन सारे कंडीशंस को दूर करने के लिए मैं आपके लिए ट्रिक्स दे रहा हूं, आप लोग एक बार वहां जुड़ जाइएगा और खूब आनंद लीजिएगा। और दूसरी बात, जितना जी तोड़ मेहनत हो सके लास्ट में करना है क्योंकि अंत भला तो सब भला।